स्वागत है आप सभी का रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। आज हम बात करेंगे बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक सह गोवर वैज्ञानिक के बताए गए कोरोना टूलकिट के बारे में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बताएंगे कि इन गोबर वैज्ञानिक के बताए गए कोरोना टूलकिट से आप कैसे कोरोना को भगा सकते हैं, यानी कि कोरोना को गो कर सकते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था कि भारत वैज्ञानिक सोच वाला देश बने, लेकिन आज बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक इनके सोच से भी आगे निकल गए हैं, वो खुद वैज्ञानिक बन गए हैं। आज 73 साल के बाद नेहरू जी का सपना सच होता दिख रहा है। अभी जहां से भी नेहरू जी कोरोना से लड़ने के लिए देसी गौमूत्र थेरेपी, देसी गोबर थेरेपी, देसी कीचड़ थेरेपी के खोज करने वाले देसी गोबर वैज्ञानिकों को देख रहे होंगे, वो बहुत खुश होंगे। कांग्रेस के शासन में ना सही, लेकिन बीजेपी के शासन में, बीजेपी के ही नेताओं में ऐसे गोबर वैज्ञानिक तो मिल ही गया देश को। देखिए इन गोबर वैज्ञानिकों का खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक कोरोना टूलकिट के बारे में बताएंगे, जिसको बीजेपी के कई सारे नेताओं ने मिलकर तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कोरोना ना हो, तो इस टूलकिट में बताए गए बातों को ध्यान से सुनिए। इसमें बताया गया है कि 16 बार छानकर ताज़ा गौमूत्र का सेवन करें, फिर 2 चम्मच गोबर पान करें, ब्रेकफास्ट से पहले ताज़ा गोबर घोलकर पूरे शरीर में लेप लगाएं, फिर गोबर के बीच ही नहा लें, और हो सके तो किसी गौशाला में जाकर ये करें, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद बाबा रामदेव की कोरोनिल की 2 गोली कटक जाएं। दोपहर में खाने के साथ साथ भाभी जी का पापड़ ज़रूर खाएं। शाम को 10 बार शंख बजाएं। सोने से पहले डार्क चॉकलेट खाकर गो कोरोना गो गुनगुनाते हुए सो जाएं। आइए अब इन गोबर वैज्ञानिकों का बयान भी आपको दिखा देते हैं। देशी गाय का गोमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे माइक्रो का जो इंफेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गोमूत्र अर्थ ले रही हूँ, और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। जनप्रतिनिधियों के भ्रामक बयानों के कारण लोग गोबर शरीर पर लपेट कर इसे कोरोना से बचाव का इलाज बताने लगते हैं, और तब डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि ये तो इलाज नहीं है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, इसका भरोसा भारतीयों को है, लेकिन कोरोना वायरस इसी धुएं से खत्म होगा, इसकी ना तो कोई रिसर्च है ना पुख्ता प्रमाण, और तब ये भ्रम का धुआं फैलता है जनप्रतिनिधियों की बयानों वाली प्रयोगशाला से। महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्म कांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब 2-2 आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें, तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। इन गोबर वैज्ञानिकों से हेल्थ मिनिस्टर, मेडिकल साइंस के लोगों को कुछ सीखना चाहिए। ये लोग फालतू में देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वैक्सीन बनाने के बाद भी कोरोना से बचने के लिए आज भी रिसर्च जारी है, और कुछ लोग कोरोना से बचने के लिए डबल मास्क, वैक्सीन लगवाने बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों को कोरोना संक्रमण हो जा रहा है, और इन गोबर वैज्ञानिकों ने तो विदाउट मास्क, विदाउट वैक्सीन, गौमूत्र थेरेपी, गोबर थेरेपी, कीचड़ थेरेपी से कोरोना को भगा दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि बीजेपी शासित प्रदेश गुजरात के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मोना देसाई ने को इन दावों को बेबुनियाद बताया है, और कहा है ये इलाज पाखंड और अप्रमाणित है, इसके उपयोगी खतरनाक साबित हो सकते हैं। गाय के गोबर से जानवरों में होने वाले बीमारियों का संक्रमण मनुष्य में हो सकता है।
इसीलिए मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि इन गोबर विज्ञानिकों को प्रोत्साहन के रूप में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन अवैज्ञानिक सोच वाले लोगों से हमारा देश फिर से 100 साल पीछा न चला जाए।